बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और घर का नक्शा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम एक अदद मजीद घर के नक्शे को, प्रपोजल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लाट है तो आप इसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हैं और हमने इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हुई है। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज की। तो हमारे पास इस प्रपोजल में जो प्लॉट का साइज आएगा वो है 40 फीट बाय 60 फीट। 40 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 60 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा और इसका एरिया हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 8 से 9 मल्ले का। तो 2400 स्क्वेयर फीट का ये एक घर का नक्शा है। कोशिश की गई है कि इसको बेहतरीन तरीके से प्लान किया जाए। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ और मेन गेट से करते हैं इसको स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं 2 गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। साइडों पे आपको मिल जाएंगे इसमें कॉलम पिलर वगैरह मिल जाएंगे और साइडों पे आपके पास आ जाएगी इसमें बाउंड्री वॉल। अच्छा जी, तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर गार्डन, एक अदर लॉन देखने को मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 25 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 25 फीट हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी और 7 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो 8 मल्ले के हिसाब से आपको काफी अच्छे साइज का इसमें गार्डन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप ग्रास वगैरह लगा के छोटे मोटे प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इसमें विंडोज वगैरह भी ओपन हो जाएंगी। अच्छा जी, तो सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर कारपोर्ट, बड़ी गाड़ी का कारपोर्ट मिल जाएगा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 9 इंच बाय 19 फीट। 13 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 19 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। तो इधर वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी और इधर वाली जगह को यूज करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं अंदर की तरफ। और इसके साथ साथ हमारे पास जो इसका कवर्ड एरिया आएगा ऊपर से वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो मजीद पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास 2 अदर स्टेप के बाद मिल जाएगी लेफ्ट साइड पे मेन एंट्रेंस और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर हॉल या एंट्रेंस हॉल आ जाएगा आपका और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10.5 फीट बाय 11 फीट। 10.5 फीट हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा और इसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर जो की इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके अलावा स्टेयर हॉल में आपको मिल जाएंगी विंडो जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर डोर और साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। तो इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 3 इंच बाय 11 फीट। 13 फीट 3 इंच हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो ड्राइंग के वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी विंडो भी इस वाले लॉन में ओपन हो जाएगी जिसकी मदद से आपको अंदर सूरज की रोशनी वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा इस वाले ड्राइंग के बाथ को हमने एडजस्ट किया है, इसके नीचे सीढ़ियों के नीचे आपका इस वाले ड्राइंग का बाथ आ जाएगा जिसको इजीली ड्राइंग वाले लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो मजीद पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस, घर के लिए आपको मेन एक्सेस मिल जाएगी और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर सिटिंग एरिया, टीवी लाउंज आ जाएगा, इसमें आपके सोफा की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 24 फीट बाय 12 फीट। 24 फीट हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ साथ आपको टीवी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में मिल जाएगा ओपन एरिया, इसमें आ जाएगा आपका स्लाइडिंग डोर जिसको आप जरूरत के मुताबिक ओपन करके इसमें काफी खुली सी स्पेस ले सकते हैं। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम और इस वाले बेडरूम को इंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। तो इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 9 इंच बाय 13 फीट। 13 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और 13 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले बेडरूम में हमने प्रोवाइड कर रखी है 2 अदर विंडो, एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी इस वाले कार पोर्च में जबकि दूसरी वाली विंडो आपकी ओपन हो जाएगी पीछे वाले पैशू में। तो इस वाले बेडरूम के लिए आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है। इसके अलावा इसके साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ और इस वाले अटैच बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। अच्छा, तो इसके साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर पैशियो, इस वाले पैशियो का साइज हमने दिया है 4 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। 4.5 फीट हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशियो में आपके इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और बैक वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। इन तमाम चीजों में आपको वेंटिलेशन इस वाले पैशियो से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अच्छा, तो मजीद पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इसमें 2 अदद मजीद बेडरूम। इस घर में आपको कुल मिला के 3 अदद बेडरूम मिलने वाले हैं। तो इस घर का दूसरे वाला बेडरूम आपको मिल जाएगा इधर वाली जगह पे और इसको एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से और सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम। इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 13 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चुड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ हमने प्रोवाइड किया है एक अदर ड्रेसिंग और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 5 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। 5 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चुड़ाई और 5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसी के साथ ही लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चुड़ाई और 5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा।
तो इसी के ऑपोजिट इसकी दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा, इसमें एक और बेडरूम, इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम मिल जाएगा आपको इस वाली जगह पे, इस वाली जगह से। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 15 फीट, 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इस वाले बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाएगी एक बड़ी सारी अलमारी, वार्डरोब मिल जाएगी इधर वाली जगह पे, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ। और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 7 फीट, 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट ही हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। जबकि इस वाले बाथ के वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड किया है एक मजीद पैशू, और इस वाले पैशू का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 3 फीट, 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 3 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बाथ के वेंटिलेटर और इस वाले टीवी लाउंज की विंडो ओपन हो जाएगी, यानी तमाम बेडरूम के साथ साथ इस वाले टीवी लाउंज में भी वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम किया गया है। अच्छा जी, तो मजीद बैक की तरफ आ जाते हैं, तुम्हारे पास आ जाएगा इसमें सेंटर में एक अदद किचन, और किचन को आ जाएगी एक अदद आर्च, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन। किचन का साइज हमने दिया है 9 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 3 इंच, 9 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 9 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके बैक साइड पे हमने प्रोवाइड किया है एक अदद पैशू, और इस वाले पैशू का साइज हमने दिया है 11 फीट बाय 5 फीट, 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इस वाले पैशू में आपकी किचन की विंडो, बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा, तो इन तमाम चीजों में आपको वेंटिलेशन इस वाले पैशू से मिल जाएगी। तो अगर आप इस वाले पैशू में इंट्रेंस करना चाहते हैं तब भी आप इस वाले विंडो की मदद से इसमें इजीली इंट्रेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके सामने हमारे पास आ जाएगी इसमें एक अदर डाइनिंग लॉबी, इसमें आपका डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकता है। तो इसका साइज हमने दिया है 16 फीट 3 इंच बाय 11 फीट, 16 फीट 3 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा, ये था हमारे पास एक अदर घर का नक्शा, तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू ताकि आपकी मजीद कंफ्यूजन को दूर किया जा सके और आप इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, ये था हमारे पास 2400 स्क्वायर फीट का एक अदर घर का नक्शा, 40 फीट बाय 60 फीट का, 40 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी और 60 फीट हमारे पास लंबाई में था। कुल मिला के आपको मिलने वाले हैं इसमें 3 अदद बेडरूम, और तीनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा इसमें अटैच बाथ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इस घर में राइट साइड पे इधर जगह पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। गेट के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद कारपोर्ट, बड़ी गाड़ी का कारपोर्ट आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद गार्डन। जैसे ही हम आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अदद स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस, लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस हॉल आ जाएगा, और इसमें आपको मिल जाएंगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद ड्राइंग रूम, गेस्ट वगैरह के लिए आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है एक अदर ड्राइंग रूम को। तो सीढ़ियों के सामने आपको मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस, घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज। तो इधर जगह पे आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है, सिटिंग वगैरह आप इसमें कर सकते हैं। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम, और बेडरूम के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ, और बैक साइड पे आपके पास आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम। दूसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा इधर जगह पे, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ, और इस घर का तीसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा इधर जगह पे, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। जबकि दोनों के सेंटर में आपको पास आ जाएगा इसमें एक अदर किचन, और बैक साइड पे आपके पास आ जाएगा इसमें एक अदर पैशू। तो ये था हमारा 8 महल का एक अदर घर का नक्शा, जिसको आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, हर चीज मैंने आपके साथ इसमें डिटेल के साथ मेंशन की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीजें देखने को मिल जाएंगी, आइडियाज देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे सबसे पहले मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी सजेशन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से दे सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।